गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं क्रांति सर और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं गॉस के नियम का सेकंड एप्लीकेशन। पिछले क्लास में हम लोगों ने गॉस के नियम का फर्स्ट एप्लीकेशन किया था और जिसके अंतर्गत हमने इन्फिनाइट लॉन्ग रड के कारण निकट बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान प्राप्त किया था, जिसका मान उसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा और वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर डिपेंड करता था और उसका मान हमने प्राप्त किया था लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर और इसका डायरेक्शन जो था वो रेडियल आउटवर्ड था। विद्यार्थी, आज के क्लास में हम लोगों ने सेकंड एप्लीकेशन के लिए एक इन्फिनाइट चार्ज सीट लिया है। एक ऐसा चार्ज सीट, एक ऐसा प्लेट है, यहां पर इसको आप एक ऐसे प्लेट की तरह समझते हैं जो अत्यंत पतला है। मतलब ये इतना पतला है कि अगर आप इसके एक सतह पर आवेश देते हैं वही आवेश इसके दूसरी सतह पर भी अपीयर हो जाते हैं। मतलब ये अत्यंत पतला है, झिल्ली की तरह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं। और यह कैसा है, इन्फिनाइट लॉन्ग है। मतलब यह हर एक डायरेक्शन में ऊपर नीचे और अगल बगल ये इन्फिनाइट तक फैला हुआ है। जैसे आप ऐसा समझिए कि आप एक बड़े से हॉल में बैठे हुए हैं और इस हॉल की जो छत है वो धातु की बनी हुई है, कराकट की बनी हुई है, तो वो आपको इन्फिनाइट लॉन्ग की तरह दिखेगी, इन्फिनाइट लॉन्ग प्लेट की तरह दिखेगी, है ना। या फिर आप ऐसा कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर बहुत घना घोर बादल छाया हुआ है और इस बादल में स्टैटिक चार्ज है जो आपको कई किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं, वो आपको इन्फिनाइट चार्ज शिप की तरह व्यवहार करेंगे। तो अगर हम इसीलिए हम इस थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है, एक इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज शीट लिया है और इसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो टॉपिक क्या हो गया, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर। एक समतल चादर है जिस पर एक समान रूप से इसको आवेशित किया गया है। मतलब इसकी आवेश का जो घनत्व है, जो इसके सरफेस पर जो हमने घनत्व दिया है वो कांस्टेंट होना चाहिए। के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज सीट। ओके, तो विद्यार्थी सबसे पहले हम चित्र को डायग्राम करते हैं, चित्र को हम बनाते हैं कि आखिर ये है क्या, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और गॉस के नियम का एप्लीकेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालेंगे। तो विद्यार्थी सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक इन्फिनाइट सीट ले लिया है। इस पर हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है भाई, तो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। चूंकि ये सीट है तो इसका इसकी मोटाई नगण्य लेनी है, जीरो मोटाई की लेनी है। तो इसका मतलब है कि इसका डेंसिटी जो होगा वो एरिया डेंसिटी होगा और इसका मान होगा सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। मैंने अपने से हम लोगों ने मान लिया है। ओके, कोई दिक्कत यहां तक। तो यहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन्फिनाइट तक फैला हुआ है, तो इसको इनक्लोज करने के लिए हमको एक ऐसा गॉसियन सरफेस चाहिए, ठीक है, जो इन्फिनाइट हो। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं, अगर इन्फिनाइट डायमेंशन का गॉसियन सरफेस आप ले लीजिएगा तो आप जैसे ही उसका एरिया निकालेगा वो इन्फिनाइट आएगा और चार्ज का मैग्नेट जो इनक्लोज चार्ज होगा वो भी इन्फिनाइट आ जाएगा और ये फॉर्म इन्फिनाइट बटा इन्फिनाइट या इन्फिनाइट मल्टीप्लीकेशन बाय इन्फिनाइट फॉर्म में आएंगे, जो कि अनडिटर्मिनेटेड फॉर्म होंगे। तो इस ऐसी बॉडी को इनक्लोज करने के लिए हम बहुत बड़ा गॉसियन सरफेस या इन्फिनाइट गॉसियन सरफेस नहीं खींचेंगे। ओके, इसको इनक्लोज करने का क्या आइडिया हो सकता है, तो इसके इनक्लोज करने के आइडिया को समझने से पहले हमें यह समझना है कि इसके फील्ड लाइन कैसे होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको गॉस के नियम का एप्लीकेशन करना है तो आपको पहले यह बात जाननी जरूरी है कि उस सिस्टम जिस पर आप गॉस के नियम को अप्लाई कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगे, ज्योमेट्रिकली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ज्योमेट्री क्या होगी। तो विद्यार्थी मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक आपको ये बुक ले रहा हूं, आप इसको अत्यंत पतला बुक मानेंगे, एक पेपर शीट की तरह इसको ऐसे आप कह सकते हैं, ये पेपर शीट की तरह, ये एक पेपर शीट हो गया, इसकी तरह आप इसको मान सकते हैं। तो आप इस पेपर शीट पर थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं कोई चार्ज दे रहा हूं यहां पर तो अगर यह अत्यंत पतला है, इसकी नगण्य मोटाई है, तो यही चार्ज यहां पर भी इस साइड भी क्या होगा, अपीयर हो जाएगा। यहां जो चार्ज दीजिएगा वो यहां पर अपीयर हो जाएगा। अगर आप इसको कंप्लीटली चार्ज कर देते हैं तो इसका फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। विद्यार्थी सबसे पहली तो बात यह है कि अगर आप माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक ये सीट फैला हुआ है और आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान है, तो आप कहीं पर भी रहिए आपको यह एक साइमेट्रिक बॉडी की तरह दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे ये सममितीय है, कहीं खड़ा होकर देखिए इन्फिनाइट तक है तो एक जैसा दिखेगा। तो इसका मतलब है कि इसके फील्ड लाइन जो होंगे वो साइमेट्रिक होंगे। ओके, अब मान लेते हैं फील्ड लाइन को हम इस प्रकार से प्लॉट कर दे रहे हैं, सोचिए तो क्या ये सही फील्ड लाइन होगा। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ये हमारा चार्ज शीट है। अब मान लीजिए यहां हमने फील्ड लाइन को ऐसे प्लॉट कर दिया,
तो क्या ये फील्ड लाइन सही है? नहीं सही है, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्योंकि देखिए यहां पर देखिए, अगर आप यहां पर देख रहे हो तो लग रहा है जैसे फील्ड लाइन ऐसे कन्वर्ज कर रही है, और यहां पर आपको दिख रहा है जैसे फील्ड लाइन दूर दूर जा रही है, यहां एक दूसरे के नजदीक जा रही है, तो ये सिमेट्रिक प्रॉब्लम नहीं हुआ। जबकि आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सिमेट्रिक है। तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, सममितीय है, सभी जगह एक जैसा आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो फील्ड भी एक जैसा दिखेगा। और यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके फील्ड जो होंगे वो ऐसे परपेंडिकुलर हो सीट के। अब कहीं से भी खड़ा होकर देखिए, 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 आपको फील्ड लाइन एक जैसे दिखाई देगी। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसलिए परफेक्ट है क्योंकि यह एक दूसरे को काट भी नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि एक फील्ड लाइन एक दूसरे को काट रही है, क्लोज लूप नहीं बना रहा है, और इसका कोई भी कॉम्पोनेंट सीट के अनुदिश नहीं है, सीट के लॉन्ग नहीं है। अब मान लीजिए फील्ड लाइन मैंने पहले ऐसे बनाया था, मान लीजिए ऐसा फील्ड लाइन हो जाए, तो इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हो जाएगा परपेंडिकुलर और दूसरा होगा पैरेलल। तो फिर वही समस्या आ जाएगी, पैरेलल कंपोनेंट आवेश को फ्लो करने लगेंगे, और आवेश जब फ्लो करेगा तो करंट पैदा हो जाएगा, और बिना वोल्टेज या किसी एनर्जी सोर्स को लगाए हुए आप चार्ज को फ्लो कैसे कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए फील्ड लाइन जो होंगे वो कैसे होंगे? प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, बाहर की ओर। ओके, तो फील्ड लाइन हमें मालूम चल गया कि फील्ड लाइन होंगे कैसे। तो हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींच दिया। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों मैंने ई और ई खींचा है, आप ई वन ई टू मत बोलिएगा, ये दोनों जो होंगे वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे क्योंकि एक ही चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से ये पैदा हो रहे हैं। मैंने बताया ये अत्यंत पतला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? ई हो गया। अब यहां पर इसको इनक्लोज करने के लिए कैसा गॉसियन सरफेस खींचा जाएगा? ये तो स्पष्ट है कि इनफिनाइट गॉसियन सरफेस नहीं होगा। तो अगर हम यहां पर एक छोटा सा आवेश का एलिमेंट चुनते हैं, क्योंकि गॉस का नियम हम अप्लाई कर सकते हैं छोटे से आवेश एलिमेंट के लिए, उसके लिए हम छोटे से आवेश एलिमेंट के लिए फ्लक्स निकाल सकते हैं और फिर हम उसको इंटीग्रेशन करके संपूर्ण फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, छोटा सा आवेश का एलिमेंट चुना है, और जिस एलिमेंट का एरिया है डी ए, कितना है डी ए, एरिया एलिमेंट मैंने चुना है, और इस एरिया एलिमेंट पर इनक्लोज चार्ज कितना होगा? तो इनक्लोज चार्ज कितना होगा भैया? तो चार्ज की डेंसिटी कितनी है बाबू? सिग्मा है। और एरिया कितना है जो हमने छोटा सा पैच या एलिमेंट चुना है? वो है डी ए। तो इनक्लोज चार्ज होगा सिग्मा इंटू डी ए। तो हमने यहां पर एक छोटा सा पैच चुना और इस पैच पर चार्ज का मान हो गया सिग्मा इंटू डी ए, और ये एलिमेंट डी ए है। अब इसको इनक्लोज करने का काम बड़ा आसान है। अगर इस पैच को इनक्लोज करना है तो हम इधर से और इधर से दोनों साइड से एकक एकक बेलन या सिलेंडर ले आके चिपका दें। तो क्या हो गया, इसको इनक्लोज करने के लिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा। जैसे आप यहां पर देखिए, मान लेते हैं यहां पर आपके पास एक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज जस्ट सोचिए यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को इनक्लोज करना है, तो इस साइड से इनक्लोज करने के लिए हमने एक ऐसा गॉसियन सरफेस लिया बेलनाकार, और उधर से भी तो है ना, क्योंकि अत्यंत पतला है, तो उधर से भी क्या लगा दिया, एक गॉसियन सरफेस बेलनाकार ऐसे लगा दिया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो बेलन है, दो सिलेंडर है, और दोनों को हम आवेश का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और दोनों बेलन को हम इस साइड लगाकर आवेश पर ऐसे चिपका देते हैं, तो आवेश चारों तरफ से इनक्लोज हो जाएगा। तो इसको इनक्लोज करने के लिए हमने बेलनाकार गॉसियन सरफेस खींचा है। अब यहां पर पिछले क्लास में जो गॉसियन सरफेस खींचा था उसका रेडियस हमने लिया था, है ना, और उसका लेंथ लिया था, लेकिन यहां पर रेडियस और लेंथ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका एरिया वेक्टर ही इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। कर्व एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्व एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो कर्व एरिया हो ना हो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? जीरो, क्योंकि कर्व एरिया के लिए, ये जो वक्र एरिया है कर्व एरिया के लिए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए कर्व एरिया से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा फाई थ्री वो कितना होगा? जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया वन और क्रॉस सेक्शन एरिया टू के अनुदिश है, और इनसे वो बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहे हैं, तो दोनों से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कितना होगा? फाइव वन ई डॉट डी ए, और फाइव टू भी कितना होगा? ई डॉट डी ए, क्योंकि यह एरिया जो है, जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये कितना है? डी ए है। आप कहेंगे सर आपने डी ए माना कहां है? मैंने यहां पर जो एलिमेंट लिया है जो ऐसा ही सर्कल की तरह है, एक डिस्क की तरह है, वो कितना है? डी ए है। तो ऐसा ही ना डिस्क यहां पर है, अगर आप इसको इनक्लोज कर रहे हैं तो ये जो एरिया होगा वही एरिया ये और ये होगा,
तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मान कितना हो गया, डीए हो गया, मतलब ये हमने चुन ही लिया है। अब देखिएगा लास्ट में कैसे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहां पर इस, और ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींचा है। तो एक बार फिर मैं चित्र को एक्सप्लेन कर देता हूं। ऊपर के चित्र में हमने क्या किया है बाबू, ऊपर के चित्र में हमने एक इन्फाइनाइट लॉ, इन्फाइनाइट डायमेंशन में फैले हुए यूनिफॉर्म चार्ज सीट को लिया है। सीट मतलब अत्यंत पतला। इस पर हमने आवेश का घनत्व कितना दिया है, सिग्मा, या माना है सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। और यहां पर हमने एक छोटा सा आवेश का एलिमेंट चुना डीए, और इसको इनक्लोज करने के लिए बेलनाकार गॉसियन सरफेस खींचा हमने। अब इनक्लोज चार्ज कितना होगा इस बेलनाकार गॉसियन सरफेस के अंदर में, तो इस वाले भाग का जो चार्ज होगा वही ना इनक्लोज हो रहा है इस गॉसियन सरफेस से, पूरा तो हो नहीं रहा है, तो होगा सिग्मा इंटू कितना डीए हो गया। ओके, आइए यहां पर आगे बढ़ते हैं। सरफेस वन जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का एरिया दोनों पर एक दूसरे के पैरेलल है, इससे फ्लक्स का मान ई डॉट डीए होगा। सिमिलरली यही कंसेप्ट यहां लगेगा, सरफेस एरिया जो टू है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक दूसरे का अनुदिश है, इसलिए यहां पर भी फ्लक्स कितना होगा ई डॉट डीए। लेकिन कर्व जो एरिया है इसका, वक्र जो एरिया है वो इस प्रकार है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार है, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए कर्व एरिया से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। याद कीजिए पिछले एग्जांपल में वहां पर क्या होता था, क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई फ्लक्स नहीं गुजरता था और कर्व एरिया से फ्लक्स गुजरता था। लेकिन यहां पर क्या हो गया, कर्व एरिया से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा है बल्कि क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लक्स गुजर रहा है। कोई डाउट यहां पर, इसी बात को मैंने यहां लिखा है ऊपर के चित्र में, सिग्मा कूलम मीटर स्क्वायर, आवेश घनत्व की अनंत चादर लिया जिस पर डीए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का बेलनाकार गॉसियन सरफेस क्या किया है, खींचा है। बेलन के वक्र क्षेत्रफल सदिश डीए थ्री से गुजरने वाला से विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र लंबवत है, इस कारण वक्र क्षेत्रफल द्वारा विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र बेलन के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुदिश है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुदिश है, इस कारण यह विद्युत फ्लक्स का मान प्रदान करेगा। कोई डाउट यहां तक, तो हमने चित्र को एक्सप्लेन कर दिया और थोड़ा सा इसको ऐसे सजा कर लग दिया ताकि एग्जाम के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अगर आप इतनी भाषा नहीं भी लिख सकते, ऐसी जरूरत नहीं कि इतनी भाषा आपको लिखने की जरूरत है, आप थोड़ा बहुत इसमें कटौती भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा को इधर घुमा देता हूं अपने पिक्चर को लेते हुए, क्योंकि पिक्चर मेरे पास होने चाहिए, यहां से आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहां मैं ले जाता हूं। ओके गुड, चित्र आपको दिखना चाहिए ताकि मैं एक्सप्लेन करने में दिक्कत नहीं हो। गुड, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो इस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, बेलनाकार गॉसियन सतह से विद्युत फ्लक्स, क्योंकि विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तभी ना गॉस के नियम का एप्लीकेशन करेंगे, फाई बराबर क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेलनाकार गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो ये होगा प्रथम सतह से गुजरने वाला फ्लक्स दूसरे सतह से, और तीसरा जो वक्र सतह है उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को जोड़ देंगे, क्योंकि फ्लक्स एक अदिश राशि है और वो एल्जेब्रिक बीजगणितीय रूप से जुड़ती है। तो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। फाइव वन और फाइव टू कितना है बाबू, फाइव वन और फाइव टू ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही दिशा में है। लेकिन कर्व एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, शून्य है, क्योंकि कर्व एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत डायरेक्शन में है। तो कुल फ्लक्स कितना हो गया, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए बराबर टू ई डी ए। कोई दिक्कत, फ्लक्स निकल गया, एक काम हो गया गॉस के नियम का, फ्लक्स बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स निकल गया, क्यू इनक्लोज निकलना है। परिबद्ध आवेश इनक्लोज चार्ज कितना होगा, तो आपने देखा यहां मैंने आपको दिखाया ही, इनक्लोज चार्ज बराबर होगा चार्ज डेंसिटी गुणे क्षेत्रफल जिस ज्यामिति पर है। तो सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा डीए, सिग्मा इंटू डीए लिख दिया। गॉस के नियम से क्या होता है, फ्लक्स बराबर क्यू इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट होता है अगर माध्यम निर्वात है तब, और अभी हमने इसके चारों तरफ का माध्यम निर्वात ही लिया है। फ्लक्स का मान हमने निकाला है टू ई डी ए, टू ई डी ए रखा, और क्यू इनक्लोज सिग्मा इंटू डीए बटा एप्सिलॉन नॉट, डीए डीए कैंसल आउट हो गया। देखिए ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं कर रहा है इस बार, कोई ज्योमेट्री और कोई एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। याद कीजिएगा पिछला वाला वो क्या था, लेमडा बटा टू पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, वो आर पर भी डिपेंड कर रहा था और टू पाई एंगल पर भी डिपेंड कर रहा था, मतलब वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा था और एंगल पर भी डिपेंड कर रहा था, मतलब वो सिमेट्रिक था, एक वो स्पेस में हर एक जगह सिमेट्रिक नहीं था, वो एक सर्कल पर सिमेट्रिक था। लेकिन यहां पर देखिएगा ई बराबर सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट, कोई ज्यामिति नहीं आई है, ना पोलर ज्यामिति आई है और ना कार्टेशियन ज्यामिति आई है,
ना आर है यहाँ पर, ना डिस्टेंस है, ना कोई प्रकार का, ना कोई कोण या एंगल या रेडियन में पाई टू पाई कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर आपके पास कोई चार्ज की प्लेट है और वो इनफिनाइट है, तो आप इसके नजदीक हो या दूर हो, कहीं हो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान एक समान मैग्नीट्यूड में प्रदान होगा, या एक समान मैग्नीट्यूड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रदान करेगा, या मतलब यह किस डिपेंड नहीं करेगा। दूसरी बात यह कि ये किसी प्रकार की ऐसा नहीं होगा कि स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा, सर्कुलर सिमेट्रिक होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई एंगल नहीं है। कोई दिक्कत? वेक्टर फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर बराबर सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड, तो यहां दिख रहा है आपको सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगा? अगर ये प्लेट है तो इसके लंबवत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मैंने आपको अभी दिखाया, और लंबवत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया कि इस सतह के लंबवत, मतलब इस सतह के नॉर्मल डायरेक्शन में लंबवत दिशा में इकाई सदिश की दिशा में यह फील्ड होगा। तो हमने लिखा है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और यहां एन कैप जिसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर कैप बोलते हैं, एन कैप जिसको हम कहेंगे कि यह प्लेट के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है की दिशा में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ई का मान होगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, और उसका डायरेक्शन प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? अगर होगा तो आप क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चूंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग देख भी नहीं रहे हैं, आप लोग देखिए इसको, क्योंकि नहीं देखिएगा तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है। और अभी टाइम थोड़ा सा बुरा वक्त है, तो इसमें आपको पढ़ना तो है ही ना, घर पे क्या कर रहे हो। अब थोड़ा सा गौर करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं ताकि आप बझे रहिएगा। कल मैंने एग्जाम्पल दिया नहीं था, नहीं तो आप बिजी तो होते नहीं है, बस वीडियो देखा नहीं देखा, मन किया तो देखा, नहीं मन किया तो नहीं देखा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, कम से कम बनाइए आप। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर मैं आपको दे रहा हूं, वन मिनट। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.23, ये पिछले थ्योरी जो एप्लीकेशन ए है, एप्लीकेशन ए पर बनाए, एप्लीकेशन ए पर आपको बनाना है इसको 1.23 और 1.24, ये जो है तो पतली धातु की प्लेट समानांतर में चलती है, गुड। 1.24 इसको एप्लीकेशन बी पर बनाए, ठीक। ये दो आपको होमवर्क हो गया, एनसीईआरटी 1.23, एनसीईआरटी 1.24, मतलब 23 और 24, क्वेश्चन नंबर 23 और 24, 23 एप्लीकेशन ए पर लाइन चार्ज के लिए, और 24 जो है वो इस सीट के लिए है। क्योंकि 24 थोड़ा सा और मजेदार है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे, और नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे नहीं बना, मैं बताऊंगा, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको बनाने के लिए, ओके। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसको आप लोग फेयर पर लिखते जाइएगा, क्योंकि फिर इसकी दोबारा पढ़ाई की कोई संभावना है नहीं, कि कब लॉकडाउन खुलेगा ये तो कोई बता नहीं सकता है, और कब ये अभी बहुत कोविड का प्रभाव है, तो जितना हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं उसको आप लोग यहीं कंप्लीट कर लीजिए, हमको दोहराने के लिए उस टाइम मत कहिएगा, क्योंकि टाइम ज्यादा बचेगा नहीं। दो महीना भी अगर यहाँ लॉस हुआ, फर्स्ट ईयर में आपका 3 महीना लॉस हुआ था, यहाँ 2 महीना लॉस हुआ तो 5 महीना हो जाएगा, तो बैकअप करने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत, आप लोग थोड़ा सा कॉपरेशन कीजिए, ठीक है, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो देखते रहिए, रोज आपका वीडियो जाता ही है, ओके।